ब्राइटकॉम कॉन्फ्रेंस कॉल का पार्ट 3 वीडियो है। दो वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, कोई भी वीडियो मिस मत कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि सभी में अलग अलग पॉइंट्स हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं या ब्राइटकॉम को ट्रैक करते हैं तो सभी वीडियो शांति से सुनिए आप लोग। किसी इन्वेस्टर्स ने मैनेजमेंट को ये भी पूछा कि आपने इक्विटी डायल्यूट की, वो भी इतने कम रेट में शेयर बेच दिए, ऐसा क्यों किया? आप जानते हैं कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, शंकर शर्मा या बाकी लोग, उनको काफ़ी कम रेट में ब्राइटकॉम ग्रुप ने अपने शेयर्स बेचे थे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के ज़रिए। मैनेजमेंट ने यह कहा कि हम लोगों को डेट फ्री कंपनी करना था, तो इसीलिए क्योंकि डेट का बर्डन हम रखना नहीं चाहते थे कंपनी के ऊपर। डेट फ्री होना कंपनी के लिए एक प्राउड की बात होती है, अच्छी बात होती है, मार्केट भी उसको अच्छे से लेता है। इसीलिए हमने ये जो फंड रेज किए वो हमें सस्ते रेट में देने पड़े, क्योंकि हम चाहते थे कि कंपनी डेट फ्री हो जाए। बट देखिए फ्रेंड्स, ये करके मैनेजमेंट ने कैश तो हाथ में रखा है अपने, नो डाउट। उन्होंने कहा कि हमको फ्री कैश फ्लो हाथ में चाहिए था टू डू न्यू एक्विजिशंस, न्यू ट्यूल्स करने के लिए हमें पैसे हाथ में चाहिए थे, इसीलिए हमने इक्विटी डायल्यूट की है टू रेज द फंड्स। ये बात सही है, बट अब इतनी बड़ी इक्विटी हो गई है कि आने वाले दिनों में ये ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। बट लेट्स सी, कंपनी ने ये जवाब दिया है। किसी ने ये पूछा कि FII DII का स्टेक कंपनी में इतना ज़्यादा बढ़ क्यों नहीं रहा है, तो मैनेजमेंट ने यही कहा कि ये हमारे हाथ में नहीं होता है, हर एक FII DII की उनकी ओन स्ट्रैटेजी होती है, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू प्रेजेंट आवर कंपनी इन फ्रंट ऑफ देम, और हो सकता है जल्द ही FII DII का स्टेक हमें बढ़ते हुए दिखे, ये भी मैनेजमेंट ने कहा है। उनको डाउन सेटलमेंट के बारे में भी पूछा कहा, तो उन्होंने कहा कि इट इज़ इन प्रोसेस और जल्द ही इसके बारे में कंपनी अनाउंसमेंट करेंगी। मीडिया मिंट के बारे में किसी ने पूछा, तो उन्होंने यही कहा कि मीडिया मिंट का जो डील था वो एनालाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है, और अभी तक मीडिया मिंट को कोई भी कैश पेमेंट किया गया नहीं था, सिर्फ शेयर्स दिए गए थे, तो इसीलिए ये प्रोसेस चल रहा है, जल्दी ही इसके बारे में अभी अपडेट किया जाएगा। मतलब मीडिया मिंट को जो शेयर्स दिए थे कब मैनेजमेंट ने, वो वापस लिए जाएंगे और कोई कैश पेमेंट किया नहीं है, ऐसा मैनेजमेंट ने इसमें कहा है। तो मेरे मीडिया मिंट के भी डील को कैंसिल करने की जो प्रोसेस है वो चल रही है। मैनेजमेंट ने यह भी क्लियर किया है कि 6 दिसंबर को जो पुलिस कंप्लेंट हुई है उसमें मैनेजमेंट का कुछ भी हाथ नहीं है, मैनेजमेंट का कोई लेना देना नहीं है। किसी इन्वेस्टर्स ने शेयर्स शॉर्ट किए और उसके ऊपर केस चल रही है, और मैनेजमेंट उसको भी सॉल्व करने की जल्द से जल्द कोशिश कर रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो आने वाला साल रहेगा तो 2023, मतलब जो साल चल रहा है ये, और 2024 इट विल बी ईयर्स ऑफ ब्राइटकॉम ग्रुप। मतलब उन्होंने ये कॉन्फिडेंस दिलाया इन्वेस्टर लोगों को कि इन सालों में आप देखोगे कि ब्राइटकॉम ग्रुप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और फ्यूचरिस्टिक सेक्टर में कंपनी काम कर रही है, कंपनी में कोई खराबी नहीं है, और आने वाले दिनों में आप अच्छा ही सब कुछ देखेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप में, ऐसा मैनेजमेंट ने अश्योर कराया है इन्वेस्टर्स लोगों को। तो फ्रेंड्स, अभी देखिए इस कॉन्फ्रेंस कॉल से काफ़ी बातें निकल कर आई है, अब डिसीजन आपको लेना है कि पॉजिटिव आई है कि नेगेटिव आई है। कुछ बातें मुझे पॉजिटिव लगी, कुछ बातें मुझे नेगेटिव लगी, वो मैंने आपको बता दिया है, डिसीजन आपको लेना है। बट एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैनेजमेंट ने करेज दिखाया, हिम्मत दिखाई कि अभी कोई ज़रूरत नहीं थी इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस कॉल लेने की, पर उन्होंने ली, लोगों को फेस किया, लोगों के सवालों के जवाब दिए। हालांकि जो इन्वेस्टर्स लोग थे उनके जो लैंग्वेज थी या जो टोन था काफ़ी हार्श और काफ़ी एग्रेसिव था, बट मैनेजमेंट ने सबको फेस किया, सबका जवाब दिया है। अब देखना यह है कि इसके ऊपर मार्केट रिएक्ट कैसे करता है। मुझे तो लगता है कि मंडे को थोड़ा सा ऊपर जाएगा शेयर, एमओ ऑर्डर वगैरह लगाने की कुछ ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसा मूवमेंट आएगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। हाँ, क्वार्टर 3 का नंबर शानदार आया तो ज़रूर शेयर में अच्छा मूवमेंट आएगा, बट कल दो दिन से देखिए, थर्सडे और फ्राइडे से ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर भले ही मार्केट गिर रहा था, स्टेबल चल रहा था, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस कॉल के कारण भी लोगों में होप थी, बट मंडे को हो सकता है थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करें। जो यहाँ पे अटका हुआ है 28 से 30 के लेवल पर, 30 को क्रॉस करके क्लोजिंग देना काफ़ी ज़रूरी है, देखते हैं मंडे को क्या होता है। बट ओवरऑल देखा जाए तो मैनेजमेंट ने सब सवालों का जवाब देने की कोशिश की, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ नया कुछ निकल कर नहीं आया है इसमें से। बट एक कॉन्फिडेंस देना इन्वेस्टर्स लोगों को, इसीलिए मैनेजमेंट ने ये सब कॉन्फ्रेंस कॉल लिया और उसमें सभी बातों का जवाब दिया है। बट वही सब बातें, कंप्यूटर क्वांटम टेक्नोलॉजी और बाकी सब चीज़ें, वही बातों पे सब वही बात, ऑडियो एक्विजिशन का काम चल रहा है, ये है वो है, बट मैनेजमेंट ने ही बताने की कोशिश की है कि एवरीथिंग इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ इन वेल इन कंडीशन। और ये बात एक्सेप्ट की मैनेजमेंट ने कि हमने पहले ही अनाउंसमेंट्स कर दी बहुत सी चीज़ों की, जो मैनेजमेंट की गलती हुई है,
ये बात उन्होंने एक्सेप्ट की, बट आगे से वो ध्यान रखेंगे कि जब तक पूरा 100% कंक्लूजन पे नहीं आ जाती है कोई भी डील, पहले अनाउंस नहीं करना चाहिए, कि मैनेजमेंट को ध्यान रखना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है कि पहले देखिए, आप जानते हो, याद होगा आपको, जब एसएम स्टेज 4 में था शेयर या 3 में था, जब कोई मैनेजमेंट कोई भी अनाउंसमेंट करती थी तुरंत अपर सर्किट लगना शुरू हो जाते थे, तो उनको लगता है यही उनको आदत हो चुकी थी मैनेजमेंट को, क्या अनाउंसमेंट करते हैं तुरंत अपर सर्किट लगना शुरू हो जाते हैं। बट अभी एएसएम स्टेज में कोई भी नहीं है और 20% का सर्किट लिमिट है, इसलिए बहुत डिफिकल्ट है उसको भगाना या ऊपर जाना, लोग तुरंत सेल ऑफ कर देते हैं, ये ट्रैप में फंस चुका है बैटकॉन ग्रुप का शेयर। बट लेट्स होप ऐसी फॉरेंसिक ऑडिट या कोई बड़ी धमाकेदार न्यूज़ आए और बैटकॉन ग्रुप का शेयर बैक टू बैक अपर सर्किट में फिर से जाए, जैसे हमें देखने की आदत थी। सो इट इज़ ऑल, लेट्स होप मंडे को पॉजिटिवली ले इसको मार्केट और थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करें। और अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको क्वार्टर 3 तक होल्ड करना है या नहीं होल्ड करना है। अभी बाकी भी रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, जैसे कि TCS, विप्रो, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा हम लोगों को, उसके बाद ही पता चलेगा कि बैटको का मूवमेंट कैसा होता है। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन एंड फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू बाय जैकपॉट शेयर 1 फॉर ट्रायल। आई हैव गिवन यू द नंबर 9545850000 इस नंबर पर। तो अभी कोई एमओ ऑर्डर पर लगाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली रहेगा, इसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा शेयर मूवमेंट पर ऐसा नहीं लगता है। बट आपको डिसीजन लेना है कि क्वार्टर 3 तक आप वेट कर सकते हो अगर कॉन्फिडेंस होगा। वैसे तो रिजल्ट अच्छा ही आना चाहिए क्वार्टर 3 का, बट उसके बाद में कितना मूवमेंट दिखाता है एक ग्लोबल मार्केट कंडीशन पे या इंडियन मार्केट कंडीशन पे भी डिपेंड करने वाला है। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।